आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टॉपिक जो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर आता है, हेमरेज इन प्रेगनेंसी, यानी कि हेमरेज जो भी होंगे प्रेगनेंसी के दौरान उसके बारे में देखेंगे, इसके कितने टाइप होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस में जो है कि हम लोग वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी का पूरा डिटेल देखे हैं, तो आज जो है हम लोग इस हेमरेज इन प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से पॉइंट को कवर करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेमरेज इन प्रेगनेंसी का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जो है इसमें हम लोग टाइप देखेंगे, इसके कितने टाइप होते हैं, उसके बाद जो है एबॉर्शन देखेंगे, मिस कैरेज देखेंगे, इंड्यूस एबॉर्शन देखेंगे और इन सभी के टाइप देखेंगे, साथ में जो है इन सभी के कॉज, सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट देखेंगे और लास्ट में जो है कि हम लोग एमटीपी देखेंगे। इस टॉपिक को जो है हम 3 से 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेमरेज इन प्रेगनेंसी। सो हेमरेज इन प्रेगनेंसी को समझने से पहले हम लोग को यह समझना होगा कि हेमरेज क्या होता है। सो हेमरेज का क्या मतलब होता है? हेमरेज का मतलब होता है लीकेज ऑफ ब्लड। लीकेज ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का लीकेज होना कहां से? किसी भी वास्कुलर कंपार्टमेंट से आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी भी कंपार्टमेंट से जब ब्लड जो है कि आपके ब्लड वेसल से बाहर निकलता है उसको हम लोग हेमरेज कहते हैं। यानी कि सिंपल सी है कि ये एक कैपिलरी है और यह अगर कैपिलरी में ब्लड जो है मूव कर रहा है, अगर यहां से ब्लड जो है लीक होकर बाहर आ रहा है, चाहे वो इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो या बॉडी के बाहर निकल रहा हो, बॉडी से बाहर निकल रहा हो, किसी ऑर्फिस से निकल रहा हो, इन सभी केसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। सो लीकेज ऑफ ब्लड, लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम वास्कुलर कंपार्टमेंट नोन एज हेमरेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी ब्लीडिंग होंगे, यानी कि हमने कहा कि लीकेज ऑफ ब्लड, अगर प्रेगनेंसी का मतलब यहां हो गया कि जब फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके और डिलीवरी तक की जो पीरियड में होते हैं उनको हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं, तो अगर उस दौरान, अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे अगर ब्लड का जो है कि लीकेज होता है, अगर यहां से जो है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक से जो है कि ब्लड अगर बाहर निकल रहा है, यहां से जो है कि अगर ब्लड बाहर आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहेंगे हेमरेज इन प्रेगनेंसी। सो ब्लड लीक आउट, ब्लड लीकेज या ब्लड जो है कि पास आउट हो रहा है, ब्लड यहां से निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहते हैं हेमरेज इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के दौरान जब इस तरह की घटना घटती है तो उसको हम लोग कहते हैं हेमरेज इन प्रेगनेंसी। तो हेमरेज इन प्रेगनेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, क्या परिभाषा देते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सो ब्लीडिंग फ्रॉम द, ब्लीडिंग फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोन एज हेमरेज इन प्रेगनेंसी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेमरेज इन प्रेगनेंसी कहते हैं। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि टाइप होते हैं। सो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं, लेकिन हम यहां पर 2 टाइप को ही लेके चलेंगे। एक टाइप जो है पोस्टपार्टम हेमरेज है या ब्लीडिंग है, वो एक्चुअली वो चाइल्ड बर्थ के बाद होता है, इसलिए हम इसको यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। कई जगह पे उसको चाइल्ड बर्थ वाला जो पोस्टपार्टम हेमरेज है उसको इसी के अंदर एड कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के बाद का केसेस होता है, इसलिए पोस्टपार्टम हेमरेज जो है हम यहां पर लेकिन नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हेमरेज इन प्रेगनेंसी का, सबसे पहला जो टाइप आता है वो है अर्ली हेमरेज, अर्ली हेमरेज, और दूसरा जो टाइप आता है अर्ली हेमरेज या फिर अर्ली ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, अर्ली ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी
एंड सेकेंड टाइप जो है इसका, इसका जो दूसरा टाइप आएगा जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरे टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, लेट हैमरेज इन प्रेगनेंसी या लेट हैमरेज या लेट ब्लीडिंग ऑफ प्रेगनेंसी। सो बेसिकली ये दो टाइप हो गए हैमरेज इन प्रेगनेंसी के। और एक जो थर्ड टाइप आता है, कई जगह पे इंक्लूड है, कहीं पर अलग इंक्लूड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन भी है लेवर का, एक्चुअली ये जो है कि कॉम्प्लिकेशन है लेवर का, इसलिए हम इसको इंक्लूड यहां नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग अलग करके चल रहे हैं पोस्टपार्टम हैमरेज। ये दो टाइप हो गए हमारे हैमरेज इन प्रेगनेंसी के। चलिए अब हम लोग सबसे पहले अर्ली हैमरेज इन प्रेगनेंसी। बहुत सारे लोग अर्ली हैमरेज इन प्रेगनेंसी को ही एबॉर्शन कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एबॉर्शन का मतलब होता है कि फिटस का एक्सपल्सन हो जाना, फिटस का यूट्रस से बाहर आ जाने के प्रोसेस को, बाहर आ गया अगर बिफोर मैच्योरेशन या बिफोर जो है 500 ग्राम ऑफ वेट ऑफ फिटस या फिर 22 वीक से पहले आ जाता है तब हम उसको एबॉर्शन कहते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है, फीमेल की प्रेगनेंसी के दौरान अगर सिर्फ ब्लड बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग एबॉर्शन नहीं कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी का डेफिनेशन क्या होता है। सो अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी का डेफिनेशन हो गया कि ब्लीडिंग फ्रॉम द, हाँ एक चीज क्या है कि इसके बीच में हम लोग एक टाइम इंटरवल लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन लेते हैं 28 वीक का। 28 सप्ताह से अगर पहले ब्लीडिंग हो रहा है, 28 सप्ताह से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है, बिफोर ब्लीडिंग तो उसको हम लोग रखेंगे अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी में। और अगर 28 सप्ताह से हो रहा है, 28 वीक से हो रहा है वीक ब्लीडिंग टू बर्थ ऑफ बेबी इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेट हेमरेज इन प्रेगनेंसी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्ली हेमरेज को हम लोग कि कितने टाइप होते हैं इसके बारे में। अर्ली हेमरेज के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। सो अर्ली हेमरेज का क्राइटेरिया क्या हो गया कि 22वें वीक से लेके, यानी कि अर्ली हेमरेज का क्राइटेरिया है 28 सप्ताह से पहले ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक बिफोर 28 वीक। अगर 28 सप्ताह से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी हम लोग कहते हैं। अर्ली हेमरेज ऑफ प्रेगनेंसी के हम लोग टाइप देखते हैं। सो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी। पहला टाइप को कहते हैं ओनली ब्लीडिंग टाइप एंड सेकेंड टाइप जो है ओनली ब्लीडिंग रहेगा, इसमें सिर्फ आपको ब्लड सब्सटेंस रहेगा। और दूसरे टाइप को कहते हैं हम लोग एबॉर्शन। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, एबॉर्शन। यानी कि इसमें जो है कंटेंट जो होंगे आपके वो ब्लड के साथ फिटल सब्सटेंस भी होंगे। कंटेंट क्या होंगे, ब्लड के साथ फीटल सब्सटेंस रहेंगे। जैसे जो फीटस ग्रो कर रहा था या जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के कंटेंट आपको मिलेंगे, उसके टिश्यू मिलेंगे। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा टाइप पे कि इसमें कितना कंटेंट रहा है फीटस के पार्ट का या एम्ब्रियो के पार्ट का, तो उसके हिसाब से कंप्लीट एबॉर्शन इनकम्प्लीट एबॉर्शन के हम लोग टाइप देखेंगे आगे। तो चलिए अब हम लोग ओनली ब्लीडिंग हो रहा है तो नॉर्मल केसेस में भी होते हैं और इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, ये बात हो गई। चलिए अब हम लोग एबॉर्शन के बारे में देखते हैं कि एबॉर्शन के कितने टाइप होते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक है हम लोग का वो है एबॉर्शन।
एवर्सन। एवर्सन में अकॉर्डिंग टू कॉज, कॉज के हिसाब से जो है कि हम लोग एवर्सन के टाइप जो है डिवाइड करेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू कॉज। कॉज क्या था, क्या कारण था एवर्सन होने का। सो अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ कॉज देर आर टू टाइप ऑफ एवर्सन, देर आर टू टाइप ऑफ एवर्सन। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एवर्सन, स्पॉन्टेनियस एवर्सन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले टाइप को स्पॉन्टेनियस एवर्सन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है मिस कैरेज। इसी का दूसरा नाम क्या है, मिस कैरेज। और इसका जो सेकेंड टाइप आता है एवर्सन का, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस एवर्सन, इंड्यूस एवर्सन। यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉज एवर्सन आर टू टाइप, स्पॉन्टेनियस एवर्सन एंड इंड्यूस एवर्सन। स्पॉन्टेनियस एवर्सन का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो फीमेल है, फीमेल प्रेगनेंसी रखना चाहती थी, फीमेल जो है प्रेगनेंसी को कैरी करना चाह रही थी, लेकिन किसी मिस हैंडलिंग की वजह से। यहां पर इसका एक और नाम पड़ा है मिस कैरेज। क्यों इसका नाम मिस कैरेज पड़ा, क्योंकि मिस का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई काम दिया जाता है या आपको कोई काम करना होता है और आप उस काम को सही टाइम पर नहीं कर पाते, एक दिए हुए टाइम पर नहीं कर पाते हो, या आप भूल जाते हो कि हमें यह काम दिया गया था, तो आप क्या बोलते हो कि मिस कर गया सर ये काम करना। तो उसी जगह से ये मिस आया है। और कैरेज का मतलब क्या होता है, कैरी करना। तो मदर का जो यूट्रस है वो कैरी कर रही थी फिटस को 9 मंथ के लिए, लेकिन किसी कारण से जो यूट्रस है वो कैरी नहीं कर पाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिस कैरेज कहते हैं, या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। किसी और कारण से, मदर के हेल्थ के वजह से, मदर के किसी और कारण के वजह से जो है कि ये एबॉर्शन हो गया, हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है कि बॉडी उसको कैरी नहीं कर पाई, फीमेल का जो यूट्रस है, मदर का जो उम्ब है, जो बच्चे को कैरी नहीं कर पाई, फिटस को, एम्ब्रियो को, तो इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिस कैरेज कहते हैं। सेकेंड टाइप जो इसका था इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन का क्या मतलब होता है कि मदर रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है मदर के ऊपर। जब मदर नहीं रखना चाहती है यूट्रस में फीटस को, उस कंडीशन में जो है कि बाहर से मेडिकेशन के थ्रू, बाय द गायनेकोलॉजिकल प्रोसेस या सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जो है उसको बाहर निकाला जाता है, इम्ब्रियो को, फीटस को, उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, कॉज इसका क्या होता है कि आपकी मर्जी नहीं थी और आप बच्चे को जो है कि बाहर कर रहे हैं, यानी फिटस को एक्सपेल्ड आउट करा रहे हैं अपनी मर्जी से, बाय इंड्यूस ऑफ मेडिसिन। आप मेडिसिनल सब्सटेंस लेकर या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेकर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है आप फिटस को बाहर निकाल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं, इसको इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं। अब हम लोग आगे जो है इसमें एबॉर्शन में जो हमने टाइप देखा था उसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के टाइप के बारे में देखते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के लिए, कब हम लोग एबॉर्शन कहते हैं, कब एबॉर्शन नहीं कहते, इसके लिए हम लोग क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एबॉर्शन का डेफिनेशन देख, एबॉर्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने कहा कि फिटस का एक्सपेल्ड आउट कराना, सो एक्सपल्सन ऑफ इम्ब्रियो या फिटस, एक्सपल्सन ऑफ इम्ब्रियो या फिटस बिफोर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन और बिफोर 500 ग्राम वेट ऑफ फिटस, वेट ऑफ इम्ब्रियो या फिटस नोन एज एबॉर्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एबॉर्शन कहते हैं। यानी कि यहां पे दो क्राइटेरिया जो है दिया गया है WHO के द्वारा,
WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, जो फिटस है उसका वेट, जो इम्ब्रियो है फिटस है उसका वेट जो है 500 ग्राम से कम होना चाहिए, वेट होना चाहिए 500 ग्राम से जो है कम होना चाहिए। दूसरा कहता है 22 वीक। अब ये जो 500 ग्राम का जो क्राइटेरिया है तो हमने वहां पर डिवाइड किया था 28 वीक, लेकिन यहां पर क्यों ऐसा WHO करता है, क्योंकि 22 सप्ताह से पहले यानी कि 22वें सप्ताह में 22 वीक में जो है बेबी जो फिटस है वो 500 ग्राम का वेट गेन कर लेता है, 500 ग्राम का जो वेट है वो गेन कर लेता है, गेन वेट, इसलिए जो है कि हम लोग इसको कहते हैं। और एक पॉइंट इसमें और आता है WHO जो कहती है ये 500 ग्राम वेट वाला, और दूसरा कहती है कि बिफोर 22 वीक्स या 28 सप्ताह से पहले जब अगर फिटस का बाहर आ रहा है तो सरवाइव नहीं कर पा रहा है अपने आप, यानी कि उसकी बॉडी जो है इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं है, सो नॉट कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट सर्वाइवल, यानी कि उसका जो सर्वाइवल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद से जो है वो फिटस जो है इम्ब्रियो जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसके जो एबीसी है यानी कि एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन खुद से सेल्फ नहीं कर सकता है। इन केसेस को हम लोग कहते हैं, अगर उसमें अगर वो बच्चा बाहर आ जा रहा है तो फिटस बाहर आ जा रहा है यूट्रस से तो हम लोग क्या कहेंगे उसको एबॉर्शन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एबॉर्शन, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहला को हम लोग कहा था स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड सेकेंड टाइप जो हमने कहा था इंड्यूस एबॉर्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है। सो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को हम लोग मिसकैरेज भी कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के अंदर अब हम लोग टाइप देखते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। सो टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में देखते हैं। सो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के जो है आपके 6 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप आता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का जिसको हम लोग कहते हैं थ्री टेंड एबॉर्शन। दूसरा जो टाइप आता है वो है कंप्लीट एबॉर्शन। थर्ड टाइप जो आता है वो है इनकंप्लीट एबॉर्शन। चौथा जो टाइप आता है वो है इनविटेबल एबॉर्शन। पांचवा जो टाइप आता है एबॉर्शन का स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का वो है मिस्ड एबॉर्शन। एंड छठा जो टाइप आता है वो है सेप्टिक एबॉर्शन। सो ये जो है कि आपको टाइप है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का। इंड्यूस एबॉर्शन में तो टाइप होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो कंप्लीट इनकम्प्लीट नहीं, वहां तो पूरी तरह से कंप्लीटली आप जब इंड्यूस करते हो तो बाहर कर देते हो। चाहे आप डीएमसी करो तो डीएमसी के माध्यम से जो है कि फिटस को पूरी तरह से बाहर कर देते हो, या फिर मेडिसिन जो आता है उस मेडिसिन की मदद से जो है आप मिजोप्रिस्टिस्टॉल और मिफोप्रिस्टिस्टॉल जो आता है उसकी मदद से जो है आप बाहर करते हो। तो यहां पर हम लोग सिर्फ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में अकॉर्डिंग टू कॉज